सो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त गौरव शर्मा। मैं इस बार जा रहा हूँ लद्दाख घूमने के लिए वाया HRTC बस से। पहली बार मैं जा रहा हूँ और सोलो ट्रैवलिंग करने। मतलब स्कूल टाइम से मेरा सपना था कि मेरे को लद्दाख जाना है। पहले मेरा सपना था कि मैं गाड़ी लेकर जाऊंगा, बट मैं गाड़ी ले जा नहीं पाया क्योंकि मैं अकेला हूँ, कोई और रेडी हो नहीं पा रहा इस टाइम पे। तो फिर मेरा सपना था कि भाई मैं बाइक लेके जाऊंगा, तो बाइक का सपना घर वालों ने चूर कर दिया कि बाइक पे नहीं जाना। अब मम्मी क्यों नहीं जाना बाइक पे? अच्छा, बाइक पे सेफ नहीं है, पहली बार वैसे जा रहा है। अरे तो सेफ नहीं है तो मैं चलाता तो ठीक से हूँ ना। चलाता तो ठीक है, लेकिन फिर भी अभी बस में चला जाए, फिर अगली बार बाइक पे चला जाइए, उससे अगली बार गाड़ी में चला जाइए। तो जाने दोगे? और क्या। तो भाई देखो, आपके सामने मम्मी बोल रही है कि अगली बार बाइक से चला जाइए, उसके बाद गाड़ी में चला जाइए। बाइक दूसरी ले लियो ना। कौन सी? दूसरी बाइक ले लियो जो तुझे लेनी है। ठीक है, तो नई बाइक लेकर जाएंगे अपनी। बाकी जो नई बाइक लूंगा वो तब की तब पता चलेगा कौन सी लूंगा। तो भाई ये डिपेंड करता है, तब मम्मी ने कंडीशन रखी है, अगर तू ठीक तरीके से चला, मतलब बीमार होके नहीं आया, तभी मिलेगी वो सारी चीजें। तभी मम्मी ने ध्यान रखियो, टाइम पे खाइयो, टाइम पे हर काम करियो, अपनी सेहत का ध्यान रखेगा, अकेला जा रहा है इसलिए। हाँ तो वैसे तो मैं ध्यान रखूंगा, खाता पीता रहूंगा। और क्या। तो इंस्ट्रक्शंस पूरे मिल चुके हैं, पापा जी आएंगे तो पापा जी से भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। तो बस अभी बहुत दिनों से ना मैं इस चीज़ की प्लानिंग कर रहा था, डिटेल्स में थोड़ा सा देख रहा था कि कैसे कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ वाया बस, क्योंकि अपना व्हीकल होता ना तो आप बस ये होता कि चलो फिर उसके बाद तो कहीं भी हम घूमने जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जितनी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की है उतनी मैं आपको साथ के साथ दिखाता रहूँगा। इनकेस अगर कुछ आगे का प्लान बना तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बाकी भाई अभी मैंने कल बैठ के पूरी सारी एक ना पेज पे डिटेल बनाई कि मेरे को क्या क्या लेकर जाना है और किस किस चीज़ की मेरे को नीड पड़ेगी, क्योंकि आजकल ना मौसम का आपको पता ही है, बहुत ही भाई कभी धूप आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है, और मनाली में बहुत बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, लेह लद्दाख में भी बहुत ठंड हो रही है इस टाइम पे। सुनने में आया, मैं न्यूज़ देख रहा था कि वहाँ पे बर्फ भी पड़ रही है अभी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली सारे कपड़े रखे हैं। तो अब बस मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, अब पैकिंग शुरू करते हैं। कल शाम को मेरी बस है कश्मीरी गेट से 3:45 की, 3:45 शाम के कश्मीरी गेट से। मैंने टिकट अपनी करवाई है ऑनलाइन बुक, आप भी ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं या आप टिकट काउंटर पे भी जाके करा सकते हैं। ऑनलाइन मैंने इसलिए करवाई कि थोड़ा मेरा सर्विस चार्ज तो लगा, बट उसमें ये था कि मैंने घर बैठे अपने अकॉर्डिंगली सीट सिलेक्ट कर ली। आप अगर जाके काउंटर पे करवाते हैं तो आपको सीट सिलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता, वो जो आपको अलॉट करेंगे आपको वही सीट लेनी पड़ेगी। तो भाई अभी एक तो काम अपना हो गया, अभी मेरी टिकट हुई है दिल्ली से कीलोंग तक की। अब बस सारी पैकिंग करता हूँ। तो करें मम्मी पैकिंग? हाँ, और क्या। क्या क्या लेके जाना है बताओ। कपड़े ले ले अच्छे से, यहाँ से पहले गर्म कपड़े तो लेगा नहीं है, ऐसा तो ठंडे पहन के जाएगा, गर्मी है दिल्ली में तो। ठंडे कपड़े? ठंडे कपड़े मतलब कपड़ों में बर्फ जमा के? नहीं नहीं, बर्फ जमा के कपड़े पहने जाते हैं क्या? तो आप ही कह रहे हो ठंडे कपड़े, मतलब गर्मी के मुताबिक के कपड़े पहन के जाइए ना यहाँ से तो। और वहाँ पे? वहाँ पे फिर अपने ठंडे कपड़े, ठंड के हिसाब से। वहाँ पे ठंडे कपड़े, यहाँ पे गर्मी के हिसाब से कपड़े। तो भाई बेसिकली मम्मी कहना चाह रही है कि यहाँ से अपने गर्मियों के कपड़े पहन के जाइए, जैसे टी शर्ट या पजामा वगैरह। और ऐसे कपड़े मैं अपने साथ जो पीछे मैं बैकपैक कैरी करूंगा उसमें मैं रखूंगा। तो हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं दो बैग लेकर जा रहा हूँ, एक मैं लेके जा रहा हूँ ट्रॉली बैग जिसमें मेरे सारे कपड़े रहेंगे, और एक मैं लेके जा रहा हूँ अपना बैकपैक जिसमें मेरे चार्जर, फोन वगैरह, बैटरी बैंक और कुछ खाने पीने का सामान रहेगा छोटा मोटा, जिसकी मेरे को वाइल्ड ट्रैवलिंग नीड पड़ेगी। ठीक है, तो हाँ, और दूसरी चीज़ ये कपड़ों की बात रही तो मम्मी ये कह रही थी कि भाई यहाँ से अपने कपड़े पहन के जाइए गर्मियों के अकॉर्डिंग, और जो जैसे रास्ते में ठंड बढ़ती रहेगी तो वो बैग में रख लियो ताकि वो तू रास्ते में चेंज कर सके, जैसे बस का हॉल्ट होगा कहीं पे भी तो वहाँ पे मैं चेंज कर सकूँ ताकि मेरे को ठंड ना लगे। ठीक है, तो अब मैं चलो आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेकर जा रहा हूँ, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट आपको दिखाता हूँ। सो भाई ये है अपनी लिस्ट, इसमें ये तो मैंने रफली लिखा है तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा, तो मैं बता रहता हूँ। जैसे कि भाई शूज़ है, चप्पल है, चप्पल भी चाहिए ना भाई नहाने धोने के लिए। शूज़ लेके जा रहा हूँ मैं दो पेयर, एक यहाँ से पहन के जाऊँगा और एक वहाँ पे जो पहनूँगा, अगर गीले भी हो जाए तो भाई काम आएंगे ना।
और भाई सॉक्स लेके जा रहा हूँ, और अंडरगारमेंट्स है, कैप है, हैंकी है, मफलर है, ग्लव्स है, वॉच है, जैकेट है, जैकेट भाई मोटी जैकेट लेके जा रहा हूँ। वो देखो आपको दिख रही होगी, ये रही भाई ये वाली मोटी जैकेट है और एक रही ये वाली जैकेट। तो भाई जैकेट लेके जा रहा हूँ और टी शर्ट्स लेके जा रहा हूँ जो भाई वापसी आने में मेरे को पहननी है और यहाँ से जाने में मेरे को पहननी है। टी शर्ट्स होगी, जीन्स होगी, बैटरी बैंक हो गया भाई, बैटरी बैंक की भी नीड पड़ेगी क्योंकि अगर इनके फ़ोन ऑफ हो गया, अडेप्टर, ट्राईपॉड, ये ट्राईपॉड भी लेके जा रहा हूँ, इसकी नीड पड़ेगी भाई। रास्ते के लिए ब्लूटूथ लेके जा रहा हूँ, ये चार्ज कर लिया है पूरा, बाकी कर लेंगे। ये एक छोटू फ़ोन लिया है मैंने, छोटू फ़ोन पता नहीं मेरा कहाँ है ये भाई, अगर इनकेस मैंने वहाँ पे बाइक हायर करी ना तो बाइक पे काम आएगा। ये माउंट है, हेलमेट माउंट। और भाई ये रहा, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ये मेरे काम आएगी, इसमें मैंने अडेप्टर लगा दिया इसमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये रहा भाई अपना छोटू फ़ोन, ये मैंने फुल चार्ज कर लिया, ये भी ऑफ करके रखा हुआ है, ये फुल चार्ज कर लिया। और ये रहा भाई अपना फेस वॉश, ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है सर में लगाने के लिए, भाई देसी लोग हैं तो हमने देखो देसी तरीके से ही चलते हैं, सरसों का तेल ले लिया। ये क्रोसिन, ये थोड़ा शैम्पू वगैरह, विक्स, ये वाइप्स, कॉम्ब, सारी चीज़ें ले ली हैं, अपनी टी शर्ट्स, सब कुछ है भाई यहाँ पे। ये जूते चप्पल रखे हुए हैं अपने, ग्लव्स, वॉच, ये देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे सोप है भाई, ये सोप भी है, और वो बारिश से बचने के लिए विंड शीटर, वैसे उसी का काम देती है यार वो, ये अपने भाई गर्म पजामे सारे, वो मफलर, सारी चीज़ें हो गई। और मैं लेके जा रहा हूँ एक, ये लेकर जा रहा हूँ अपनी अटैची, और इनमें से एक बैग लेकर जा रहा हूँ मैं अपने साथ में। सो भाई कुछ ये चीज़ें हैं, अभी इनकी पैकिंग करते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। सो चलो भाई करते हैं पैकिंग। ये भी अपनी लिस्ट जो मैंने आपको पूरी दिखा दी, एक से लेकर 20 तक, 20 नंबर है चीज़ें बहुत सारी। ये देखो सैनिटाइजर भी रख लिया, और ये छोटे छोटे ना सोप के पैकेट है ये भी रख लिए भाई, शैम्पू, ये कोलगेट ब्रश, ये ज़रूर लेके जाना भाई, मेरे को तो बहुत मच्छर काट खाते हैं भाई, ये तो पूरी ट्रिप में काम आएगा अपने। और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखाई थी, विक्स पर पूरा भाई जुकाम हो गया तो उसमें काम आएगी। ये अपनी क्रोसिन, ये पेपर सोप, ये दवाइयाँ, शैम्पू, ये अपने वाइप्स, ये भाई क्रीम लगाने के लिए, ये अपनी कैप, ये अपने ग्लव्स, वो अपनी वॉच रही, सारी चीज़ें है भाई। तो अभी अपना छोटा सा ना ये वाला बैग बना लिया है, इस बैग के अंदर रखेंगे सारी मेडिसिंस और ये जितनी भी क्रीम वगैरह है, ताकि ना भाई आसानी रहेगी ना खोलने में, ढूंढना नहीं पड़ेगा पूरा बैग। बाकी ये तो अपना पूरा सेट कर लिया है। तो भाई पैकिंग अपनी हो चुकी है, ऑलमोस्ट पूरी डन, एक दो चीज़ें रहती हैं छोट छोट, वो मेरे को याद है, वो मैं फिर बाद में अभी कर लूँगा। और बाकी ये देखो, ये अपने दो बैग हुए हैं, ये अपना बैग पैक हुआ है, इसमें मेरी जो मेडिसिंस है वो रहेंगी अगर इनकेस नीड पड़ती है तो, और भाई जैसे जैसे मौसम चेंज होएगा, वेदर चेंज होएगा तो उसके लिए जो जैकेट है वो रहेगी, एक पतला सा ब्लैंकेट है वो रहेगा, इसमें कैप है, एक ग्लव्स है, ये रहा अपना ट्राईपॉड, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब बस इंस्ट्रक्शंस लेनी है पापा जी से। बेल्ट रहेगी थी, जीन्स कैसे पहनते, क्या लगाते जीन्स में, याद ही नहीं दिलाता कोई यार, अब बेल्ट रख रहा हूँ, काम खराब हो जाता है, वहाँ पे जाके क्या करता, नाड़ा थोड़ी बांधता। A few moments later. तो भाई पापा जी आ चुके हैं, पापा जी कुछ बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा सुनते हैं। पापा जी यहाँ से टाइम से निकलना, दूसरा अपना ये है कि सेफ्टी टिप चाहिए कि भाई जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक जाना, अगर जहाँ पे भी कोई किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो तो वहीं से फिर अपना वापस आ जाना, बाहर का कुछ खाना पीना नहीं है, पानी भी पियो। कितने दिन कैसे रहूँगा फिर बिना खाए पिए, अच्छी जगह से खाना, मतलब ढंग की जगह से खाना है, ढंग की जगह से खाना है, पानी वगैरह जो भी है
पानी वो सारा सील्ड वाला या बोतल का पानी पीना है। हाँ हाँ, अपने गर्म कपड़े लेके जाओ क्योंकि वहाँ पे ठंड वगैरह ज्यादा होगी। वो तो सब रख लिया, किसी भी चीज की अगर जो तो हमें बता देना, चलो ठीक है। वैसे तो मैं कैश लेके जाऊंगा, दिक्कत पड़ेगी नहीं, कैश भी है कार्ड भी है। हाँ। बाकी कुछ होता तो आपको बता ही दूंगा मैं, है ना। किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो, पैसे की या किसी भी चीज की, तो आप आ जाओगे लेके कैश? मैं कहाँ से लेके आऊंगा, ये भी यहाँ से अकाउंट में जमा कर देंगे? अकाउंट में तो है ही, वो तो फोन में एक्सेस वगैरह कार्ड सारी चीजें। हाँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ एंजॉय करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई समझ में आ चुकी है सारी चीज़ें जो पापा जी समझाना चाह रहे हैं। अब पैकिंग करने में हालत ख़राब होगी, अब बस सोते हैं। सो गए, फिर जब कल निकलेंगे तब दिखाता हूँ आपको।